हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्केंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर्केंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक सायरन इंस्टॉल्ड। आंसर विल बी ए स्टेशन वेयर MRV एंड VD आर एस्टेबल्ड। कहता है लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक सायरन कहाँ पे होते हैं, कहाँ इंस्टॉल्ड होता है। तो कहता है कि वैसा स्टेशन जहाँ पे MRV मेडिकल रिलीफ वैन, BD स्पेशल ट्रेनें होती हैं, ब्रेकडाउन स्पेशल ट्रेनें होती हैं, वहाँ पे लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक सायरन को इंस्टॉल्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक सायरन कंटेंस हाउ मेनी स्विचेज। आंसर विल बी 2 स्विचेज। कहता है लॉन्ग रेंज जो इलेक्ट्रिक सायरन होता है उसमें 2 स्विचेज होती हैं, इन नोट चेक स्विच एंड डिलेड एक्शन स्विच। वो जो 2 स्विचेज होती हैं वह चेक स्विच होता है और डिलेड एक्शन स्विच होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक स्विच इज टेस्टेड बाई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वंस इन ए मंथ एंड साउंडेड नॉट लेस देन 30 सेकेंड्स। कहता है जो चेक जो स्विच होता है वह इलेक्ट्रिकल स्टाफ द्वारा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो है महीने में एक बार चेक किया जाता है और इसका साउंड 30 सेकेंड से कम नहीं बजना चाहिए। कहने का मतलब है यह जो चेक स्विच होता है इसका जो साउंड बजता है वो 30 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट 4, डिलेड एक्शन स्विच इज साउंडेड फॉर 20 मिनट्स विद 3/4 मिनट सायरन ईच एंड 2 सायरन 30 सेकेंड इंटरवल मस्ट। कहता है डिलेड जो एक्शन स्विच होता है वह 20 मिनट तक बजाया जाता है, जिसमें जो है सायरन जो है 3/4 मिनट्स, कहने का 3/4 मिनट्स कहने का मतलब है 15 सेकेंड कह सकते हैं, प्रत्येक सायरन बजता है और 2 सायरनों के बीच में जो है 30 सेकेंड का हाफ मिनट का इंटरवल होता है। इन नोट ओरिजिनल की केप्ट विद इलेक्ट्रिकल स्टाफ एंड डुप्लीकेट की विद SM। कहता है ये जो इलेक्ट्रिक जो सायरन होते हैं इसका ओरिजिनल जो की होता है वो इलेक्ट्रिकल स्टाफ के पास होता है और डुप्लीकेट जो की होता है वो स्टेशन मास्टर ऑफिस में होता है। पॉइंट 5, इंजन विसिल साउंडेड 5 टाइम्स विद 1 मिनट ड्यूरेशन ईच विद 30 सेकेंड्स इंटरवल एंड रिपीटेड इन सेम मैनर आफ्टर 3 मिनट्स। कहता है कि जब यह लॉन्ग रेंज जो इलेक्ट्रिक सायरन होते हैं अगर किसी कारण से नहीं बज पाता है, खराब हो जाता है, डिलेड एक्शन स्विच वर्क करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में इंजन विसिल बजाया जाता है, इंजन का सीटी बजाया जाता है और वह जो सीटी है वह 5 बार बजाया जाता है 1 मिनट के ड्यूरेशन पे बजाया जाता है और यह जो बजने का जो इंटरवल्स होता है उसमें 30 सेकेंड का गैप होता है और यह सेम इसी तरह से प्रत्येक 3 मिनट के बाद बजाया जाता है। पॉइंट 6, एक्सपैंड फॉर्म ऑफ ARME। ARME का जो एक्सपैंड फॉर्म होता है वह होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स। पॉइंट 7 है एक्सपैंड फॉर्म ऑफ MRV। आंसर होगा मेडिकल रिलीफ वैन्स। MRV का जो एक्सपैंड फॉर्म होता है वो मेडिकल रिलीफ वैन्स होता है। पॉइंट 8, इक्विपमेंट्स आर स्टेबल्ड इन MRV, की आर अवेलेबल विद SM एंड ADMO, वाटर ड्रम्स रिप्लेस्ड एवरी वीक बाई SSC JEE एंड CNW एंड ट्रेन रन अरेंज बाई SSC CNW एट लिस्ट वंस इन ए क्वार्टर। कहता है यह जो ARME जो इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट रिलीफ जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वह MRV मेडिकल रिलीफ वैन में रखे जाते हैं। उसका जो की होता है, चाबी होता है, वह स्टेशन मास्टर और ADMO के पास होता है। उस जो मेडिकल जो रिलीफ वैन होते हैं उसमें एक वाटर ड्रम होता है जो प्रत्येक वीक में जो है रिप्लेस किया जाता है, बदला जाता है SSC JEE कैरेज एंड वर्क्स द्वारा, ठीक है। और यह जो ट्रेन जो रन करता है इसका अरेंजमेंट जो है SSC कैरेज एंड वर्क्स द्वारा जो है कम से कम 3 महीने में एक बार किया जाता है, मतलब इसका टेस्टिंग वगैरह जो है 3 महीने में एक बार किया जाता है, ठीक है। पॉइंट 9 है MRV इज इंस्पेक्टेड बाई SS ADMO डिपोट ऑफिशियल वंस इन ए मंथ। कहता है मेडिकल जो रिलीफ वैन होते हैं इसका इंस्पेक्शन डिपो ऑफिशियल द्वारा, डिपो सुपरवाइजर द्वारा, SSO स्टेशन सुपरिटेंडेंट हो या ADMO हो, उनके द्वारा महीने में एक बार किया जाता है। वहीं सीनियर DMO वंस इन 3 मंथ्स, वहीं सीनियर DMO या DMO जो है
तीन महीने में एक बार करते हैं। किसका इंस्पेक्शन? एमआरवी का, एआरएमई का मेडिकल जो रिलीफ वैंस होते हैं उसका, और एआरएमई जो है एक्सीडेंटल जो रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसका। पॉइंट 10 है एमआरवी टर्निंग आउट टाइम फ्रॉम सिंगल एग्जिट इज 25 मिनट्स एंड फ्रॉम डबल एग्जिट टर्मिनल स्टेशन इज 20 मिनट्स। कहता है मेडिकल जो रिलीफ वैन होते हैं अगर सिंगल एग्जिट गेट से जाने का अगर उसका समय देखा जाए तो वह 25 मिनट का होता है, वहीं अगर डबल एग्जिट गेट से जाना हो या टर्मिनल स्टेशन से जाना हो तो वहाँ 20 मिनट होता है। इन नोट एमआरवी नॉट स्टार्टेड विदाउट पैरामेडिकल स्टाफ। कहता है मेडिकल जो रिलीफ वैन होते हैं एक्सीडेंट के समय बिना पैरामेडिकल स्टाफ के वो नहीं खोले जाते हैं, नहीं जाता है। पॉइंट 11 स्केल सेकेंड स्टोर्ड इन बॉक्सेस इन स्पेशल रूम्स ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म विच इज मेंशन्ड इन WTT वर्किंग टाइम टेबल एंड एक्सीडेंट मैनुअल। देखिए हम लोग ऊपर जो अभी देखे हैं MRV जो देखे हैं, मेडिकल जो रिलीफ वैन देखे हैं, या ARME जो देखे हैं एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स देखे हैं, वह स्केल 1 में आते हैं। और स्केल 2 में भी जो है कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्टेशन पे एक स्पेशल रूम में जो है रखा जाता है। इसका जो जिक्र है, चर्चा जो है WTT वर्किंग टाइम टेबल और एक्सीडेंट मैनुअल में किया हुआ रहता है। पॉइंट 12 स्किल सेकेंड स्टोर्ड बॉक्सेस इज इंस्पेक्टेड बाय SS और SM और ADMO डिपो ऑफिशियल वंस इन ए मंथ। कहता है ये जो स्किल सेकेंड के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इसका इंस्पेक्शन जो है डिपो ऑफिशियल द्वारा, डिपो सुपरवाइजर द्वारा, चाहे वो SS हो, स्टेशन सुपरिटेंडेंट हो, स्टेशन मास्टर हो, या ADMO हो, उनके द्वारा महीने में एक बार किया जाता है। सीनियर DMO और DMO वंस इन ए ईयर। वहीं स्केल 2 के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका इंस्पेक्शन सीनियर DMO या DMO द्वारा साल में एक बार किया जाता है। पॉइंट 13 एक्सपेंड फॉर्म ऑफ SPART। SPART का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है? आंसर विल बी सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। SPART का जो पूरा नाम होता है वह सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। पॉइंट 14 SPART हैज हाउ मेनी कोचेज? आंसर विल बी 3 कोचेज इंक्लूडिंग AC ऑपरेशन थिएटर। कहता है SPART में जो है, SPART में जो है 3 कोचेज होता है जिसमें AC ऑपरेशन थिएटर भी शामिल है। इन नोट टूल वैन विथ हाइड्रोलिक रिलेइंग इक्विपमेंट्स, और उसमें जो टूल वैन्स होते हैं, टूल वैन जो होता है वो जो है हाइड्रोलिक रिलेइंग इक्विपमेंट से और साथ में होता है। पॉइंट 15 टर्निंग आउट ऑफ SPART फ्रॉम सिंगल एग्जिट इज 25 मिनट्स एंड फ्रॉम डबल एग्जिट इज 20 मिनट्स। कहता है SPART होता है सेल्फ प्रोपेल्ड जो ये एक्सीडेंट जो रिलीफ ट्रेन होता है, अगर सिंगल गेट से जाना हो तो इसको 25 मिनट का टर्निंग आउट टाइम होता है, वहीं अगर डबल एग्जिट गेट से जाना हो तो 20 मिनट का टर्निंग आउट टाइम होता है। पॉइंट 16 ब्रेक डाउन स्पेशल ART कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल टूल वैंस, हाइड्रोलिक जैक एंड क्रेन एंड की इज विथ SSE कैरेज एंड वर्क्स। पॉइंट बी इंजीनियरिंग टूल वैंस विथ की SSE PVA। पॉइंट सी क्लास ए इक्विप्ड विथ 140 टन्स हाइड्रोलिक क्रेन एंड HRE। पॉइंट डी क्लास बी इक्विप्ड विथ हाइड्रोलिक रिलेइंग इक्विपमेंट्स। ऑप्शन ई ऑल, हियर आंसर विल बी ऑप्शन ई ऑल। कहता है ये जो ब्रेक डाउन जो स्पेशल एक्सीडेंटल रिलीफ जो ट्रेन होते हैं, BD जो स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, इसमें मैकेनिकल टूल्स होते हैं जिसमें जो है हाइड्रोलिक जैक और क्रेंस भी होते हैं, और इसका जो की होता है वह SSE कैरेज एंड वर्क्स के पास होता है। वहीं इसमें इंजीनियरिंग टूल वैंस भी होते हैं जिसका की जो है SSE PVA के पास होता है। इसमें क्या होता है कि क्लास ए जो इक्विप्ड होते हैं उसमें 140 टन हाइड्रोलिक क्रेन और HRE होते हैं, वहीं क्लास बी अगर रूट पर चलेंगे तो इसमें जो होते हैं ना हाइड्रोलिक रिलेइंग इक्विपमेंट्स होते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, सभी हो जाएगा। कहने का मतलब है एक BD स्पेशल ट्रेन में ये सभी के सभी होते हैं। पॉइंट 17 टर्निंग आउट टाइम ऑफ BD स्पेशल फ्रॉम 6 आवर टू 18 आवर्स इज, हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 मिनट्स। कहता है BD स्पेशल जो ट्रेन होता है यह सुबह के 6 बजे से शाम के 18 आवर्स तक, शाम के 6 बजे तक अगर इसका ज़रूरत पड़े तो इसका टर्निंग आउट जो समय होता है वह 30 मिनट्स होता है।
Point 18, turning out time of BTS special from 18 hours to 6 hours is? Here 4 options has been given. Your answer will be option C, 45 minutes. वहीं अगर BTS special का जो turning time है शाम के 18 hours से सुबह के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक का जो होता है वह 45 मिनट का होता है. Point 19 है, BTS special is inspected by depot supervisor once in how many months? Here 4 options has been given. Your answer will be option A, 1 month. कहता है BTS special जो ट्रेनें होती हैं इसका inspection depot supervisor द्वारा महीने में एक बार होता है. Point 20, BTS special is inspected by divisional officer once in how many months? Here 4 options has been given. Your answer will be option C, 3 months. कहता है BD जो ऑफ स्पेशल ट्रेनें होती हैं इसका इंस्पेक्शन डिविजनल ऑफिसर द्वारा 3 महीने में एक बार किया जाता है. पॉइंट 21, मॉक ड्रिल्स इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी मंथ्स? हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3 मंथ्स. कहता है ART BD स्पेशल ट्रेन और MRB जो मेडिकल रिलीफ जो वैंस होते हैं इसका मॉक ड्रिल भी किया जाता है. एक्सीडेंटल जो रिलीफ ट्रेन होता है या मेडिकल जो रिलीफ वैंस होते हैं इसका जो है मॉक ड्रिल किया जाता है, रिहर्सल किया जाता है, या कितने महीने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 3 मंथ्स. मतलब 3 महीने में एक बार जो है MRB या ART जो ट्रेनें होती हैं उसका मॉक ड्रिल किया जाता है, रिहर्सल किया जाता है. पॉइंट 22, रिपोर्ट ऑफ मॉक ड्रिल इज गिवन टू हेडक्वार्टर्स विद इन हाउ मेनी डेज? हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 3 डेज. कहता है ये जो मॉक ड्रिल होता है इसका रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर जो है डिवीजन को, हेडक्वार्टर को दिया जाता है. पॉइंट 23, एक्सपैंड फॉर्म ऑफ MFD. आंसर विल बी मैकेनन फैब्रिकेन ड्यूसलैंड. MFD का फुल फॉर्म जो क्या होता है तो मशीने फैब्रिकेन ड्यूस लैंड होता है. पॉइंट 24, न्यू नेम ऑफ MFD इज? आंसर विल बी हाइड्रोलिक रिलेइंग इक्विपमेंट्स. MFD का जो नया नाम है वो हाइड्रोलिक रिलेइंग इक्विपमेंट्स हैं. पॉइंट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज एबॉर्टेड कोलिजन? ऑप्शन ए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स और ऑब्स्ट्रक्शन इज 400 मीटर्स और मोर. पॉइंट बी, इफ इंटरवेनिंग स्टॉप सिग्नल एट डेंजर गवर्निंग द मोमेंट ऑफ ट्रेन. पॉइंट सी, बोथ. एंड ऑप्शन डी, नन. योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ. कहता है कि अगर दो ट्रेनों के बीच का दूरी अगर स्टेशन आउटसाइड लिमिट में है 400 मीटर या उससे अधिक होगा तो वह एबॉर्टेड कोलिजन नहीं माना जाता है. अगर स्टेशन लिमिट में देखा जाए तो अगर वो ट्रेन जो है स्टॉप सिग्नल पे आके जो है डेंजर में रुक जाता हो तो उसको भी जो है एबॉर्टेड कोलिजन नहीं माना जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ. पॉइंट 26, व्हेन विल इंजन फेल्योर कंसीडर? ऑप्शन ए, इफ इंजन इज अनेबल टू वर्क विद प्रिस्क्राइब लोड फ्रॉम ओरिजिनेटिंग टू डेस्टिनेशन. ऑप्शन बी, इफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन इज डिले 30 मिनट्स और मोर. पॉइंट सी, ऑप्शन सी, इफ अदर ट्रेन इज डिलेड 60 मिनट और मोर. ऑप्शन डी, ऑल. योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल. कहता है कि एक इंजन फेल्योर माना जाएगा कब, अगर कोई गाड़ी जो जितना लोड लेके जाना है जहाँ से शुरुआत है जहाँ से जहाँ तक अंत है वहाँ तक लेके जाना है अगर नहीं जा पाए तो उसको इंजन फेल्योर माना जाएगा. अगर पैसेंजर लेके चलने वाली अगर ट्रेनें हैं अगर 30 मिनट से अधिक लेट हो जाए या दूसरी और गाड़ियाँ जो 60 मिनट से अधिक लेट हो जाए तो वो सबके सब जो इंजन फेल्योर में आएंगे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा सभी. पॉइंट 27, इंजन फेल्योर टेक्स प्लेस ड्यू टू? ऑप्शन ए, डिफेक्टिव डिजाइन. ऑप्शन बी, डिफेक्टिव मटेरियल. ऑप्शन सी, बैड वर्कमैनशिप इन सेड एंड वर्कशॉप. ऑप्शन डी, मिसमैनेजमेंट बाय क्रू एंड बैड फ्यूल. ऑप्शन ई, ऑल. योर आंसर विल बी ऑप्शन ई, ऑल. कहता है इंजन फेल्योर होने के ये सब के सब कारण है, डिफेक्टिव डिजाइन हो, डिफेक्टिव मटेरियल हो, बैड वर्कमैनशिप सेट या वर्कशॉप में हो, मिस अरेंजमेंट बाई क्रू एंड बैड फ्यूल हो, ये सब के सब कारण हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा सभी. पॉइंट 28, इंजन ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन फॉल्स अंडर? योर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, J1. कहता है पैसेंजर ढोने वाली जो इंजन होते हैं उसका जो ये है वो J1 में आता है. अदर ट्रेन इंजन और लाइट इंजन फॉल्स अंडर? योर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन. योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, J2. अदर जो ट्रेन इंजन होंगे वो J2 में आते हैं. तो फ्रेंड्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कमिंग एग्जाम्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्क एंड ड्रॉन LDC क्लासेस.